मैं खुशाब के रहने वाली हूँ। मेरे अबू का नाम मोहम्मद इकबाल है। मेरा कजिन जो कि जिसका नाम उस्मान है, 4 साल पहले मेरी उसके साथ मंगनी हुई थी। तो मंगनी के बाद फोन पे हम बात भी करते थे। बात करने के दौरान उसने मुझे एग्री किया कि कहीं चलते हैं। फिर वो मुझे अपने दोस्त के घर ले गया जिसका नाम हीरा है। उसके दोस्त का नाम दुकान पे उसके साथ काम करता है। वहां जाकर उसने मुझे बोतल पिलाई। मुझे नहीं पता उसने क्या था। बोतल पीने के बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर जब मैं होश में आई, मैंने देखा मैं ठीक हालत में नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा ये सब क्या है, तो वो कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी और तुम्हारी अब शादी हो जानी है। ऐसी बातें करके मुझे झूठी तसल्लियां देने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे घर छोड़ा। मैं गुस्से से अपने घर आ गई, वो मुझे घर की गली में छोड़ के गया। जब मैं घर आ गई तो फिर वही फोन पे बातें, गलत बातें करने लगा, बहुत गलत गलत सवाल, गलत बातें करता था। फिर दोबारा मुझे फिर ले गया अपने दोस्त के घर। जब वहां ले गया दोबारा, कुछ दिनों बाद ले गया, वहां जाके उसने मुझे वीडियोज और तस्वीरें दिखाई जो कि गैर इखलाकी थी। उनको देख के मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। फिर मैं किसी को बता भी नहीं सकती। फिर वो 4 साल उस वक्त से लेकर अब तक मुझे ब्लैकमेल करता रहा है और यही कहता है गलत काम के लिए पैसे। बहुत से मौकों पे उसने मुझसे पैसे लिए हैं, मैंने इग्नोर किए हैं। ये बात मैंने अब एंड पे पहले किसी को नहीं बता सकी। अब मैंने अपनी अम्मी को, बहन को और बहनोई को बताई है। उन्होंने चुप रहने को बोला, लेकिन मैं शेल्टर में आई हूँ। मुझे शेल्टर के बारे में मेरी दोस्तों ने बताया था। उन्होंने मुझे हिम्मत दी है कि तुम इंसाफ लो, आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ वजीर आजम साहब, वजीर आला और मीडिया वाले सब सुने और मुझे इंसाफ चाहिए। आप मुझे इंसाफ लेके दें। यहाँ मैं हूँ हवा शेल्टर में हूँ, यहाँ बहुत महफूज जगह है, बहुत औरतों के हक अदा करते हैं ये लोग। इनकी तरफ से मैंने आवाज़ बुलंद की है, आप लोग मेरा साथ दें और मुझे इंसाफ लेके दें।